हिंदुस्तान में इमरजेंसी के बाद शायद ऐसा पहली बार है कि जुडिशरी खुद को इतना लाचार महसूस कर रही है। 1975 से लेकर 77 तक माना जाता है कि जुडिशरी बहुत ही वीक थी और सरकार के गुलाम बन गई थी। और लेकिन अगर आप 2014 के बाद के सिलसिलावार तरीके को देखें तो आप देखेंगे कि जुडिशरी बहुत ही अजीब व गरीब ढंग से काम कर रही है। और आपको पता है कि शायद हिस्ट्री में पहली बार चार सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी खतरे में है। तो आपको मैं बता दूं कि ये डेट था 12 जनवरी 2018 जब चार जज प्रेस के सामने हाजिर हुए और उनमें से अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई वो भी शामिल थे, जिनकी टर्म 17 नवंबर को ख़त्म होने वाली है, यानी कि अभी तकरीबन डेढ़ महीना वो CJI रहेंगे, उसके बाद उनकी टर्म ख़त्म हो जाएगी। कश्मीर पे आने से पहले मैं ये कहूँगा, कुछ बैकग्राउंड में आपको लेके जाता हूँ। आपको पता है कि इलेक्शन बॉन्ड, जिसको खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि एक करप्शन को बढ़ावा देता है, उसको लेकर कई पेटिशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके अलावा आपको पता है कि रफ़ैल सौदे में हुकूमत की जानिब से एक तरीके से मैनिपुलेटेड व्यू दिया गया, उस पर भी फिर बिल्कुल दोनों तरफ से खामोशी रही, हुकूमत की तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी। और मैं बात अब करूँगा कश्मीर की, क्योंकि जो भी प्रीवियस चीज़ें हुए वो तो सबके सामने हैं। 58 डेज़ हो गए हैं क्लैंप डाउन को, इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज बंद है और बहुत सारी जगहों पे अब भी बंद शायद है, क्लैंप डाउन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक इतने रोज़ होने के बावजूद भी सेंटर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को रिप्लाई नहीं दिया गया है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से बंदिशें और क्लैंप डाउन ख़त्म क्यों नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल लाचार होके मतलब चुपचाप बैठा है, ये इनसे कोई रिप्लाई नहीं मांग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो वर्चुज़ हैं उनके ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, उनको अपोज़ किया जाता है, उनको मेलाइन किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खामोश बना बैठा है। आपको पता है कि माइनर्स जो डिटेंशन में है, जो कि दावा किया जाता है, कितनी हकीकत है वो बाद में पता चलेगा। इस पर भी दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं है इसकी तरफ ध्यान दे, तो उन्होंने वो वाली पेटिशन भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेज दी, हालांकि वो हैबियस कॉर्पस थी, यानी अर्जेंसी यानी इमरजेंसी में ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि एक स्टेट का मामला है, जुवेनाइल्स का मामला है, माइनर्स का मामला है, लेकिन उसको भी बिल्कुल सरद खाने में रख दिया गया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेज दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कब बैठती है, इसमें बहुत टाइम लगता है, मतलब ये घिसता रहेगा, पिटता रहेगा, बहुत जल्दी इस पर कोई फैसला आने वाला नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी जितने भी लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन की थी कि उनको घर जाने नहीं दिया जा रहा है, जिनमें इल्तिजा मुफ्ती थी या सीताराम येचुरी थे CBM के, उनको कश्मीर आने नहीं दिया जा रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने जिनको इजाज़त दे दी कश्मीर जाने की, उन पे एक अजीब सी शर्त रखी कि वो फिर मीडिया के सामने बात ना करें, मतलब एक तरीके से ओके जाओ और वैसे ही वापस आ जाओ, मतलब जो डेमोक्रेसी होती है, लिबर्टी होती है, उसको बिल्कुल कैद करके, बंद करके उनको इजाज़त दे दी जाने के लिए। इसके अलावा अभी 5 जज जो बैठे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर्म किया है रंजन गोगोई ने, जिनमें हेड कर रहे हैं जस्टिस रामन्ना, उसके अलावा है संजय किशन, आर सुभाष, BR गवई और सूर्यकांत। तो ये अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 370-35A के एब्रोगेशन के वैलिडिटी को चेक करेंगे कि वो सही था या नहीं। लेकिन आज वो बैठे 1 अक्टूबर को, और पहले ही दिन उन्होंने हुकूमत को 4 का वक्त दे दिया, और इसके बाद अब शायद नवंबर की 14 तारीख को फिर से इसकी समाप्त होगी। आप तो देख लीजिए कि कितना ड्रैग कर रहे हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है कश्मीर का, पूरा स्टेट मिजरेबल कंडीशन में है, लोगों को मुश्किलात है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो इनको इंस्टेंटली इमरजेंसी हियरिंग में वो इसको हल करे, लेकिन इसके बावजूद सरकार को बिल्कुल मोहलत दी जाती है, आराम से उनको अपना टाइम दिया जाता है, सरकार रिप्लाई भी नहीं करती है।
इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खामोश बनी बैठी है। इसके अलावा मैं फारूक अब्दुल्ला साहब का भी जिक्र करूंगा कि मिस्टर वाइकू ने एक हैबियस कॉर्पस दाखिल की थी कि उनको चेन्नई में एक इवेंट अटेंड करने की इजाज़त दी जाए, उस पर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी कि वो तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेंशन में है तो आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना था क्योंकि जब ये पटिशन दायर की गई थी तब फारूक अब्दुल्ला डिटेंशन में नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना था कि आपने फिर एमरजेंसी में फारूक अब्दुल्ला को डिटेंशन में क्यों डाला, पब्लिक सेफ्टी एक्ट उन पर क्यों डाला। मतलब सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और हेड होता है कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करने में, अगर वो ही इस तरह लाचारी का काम करेगी तो कैसे चलेगा साहब। तो अब आप देख लीजिए, अभी जो जम्मू कश्मीर के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीदें हैं तो मैं नहीं समझता कि उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पहले से ही ये मामला चल रहा है, बहुत ड्रैग किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के मसले को, बहुत टाइम दिया जा रहा है हुकूमत को भी, तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। और मुझे पता है शायद कश्मीर के लोगों को भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। हालांकि 2018 में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस, अगर मुझे सही से याद है शायद उनका नाम था जस्टिस आदर्श और जस्टिस नरिमन ने एक फैसला दिया था, उन्होंने कहा था दफ़ा 370 ने परमानेंट पोजीशन हासिल की है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इसको हटाना नामुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल डिली डॉली टैक्टिक्स किए हुए हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को खामखा अजाब में डाला जा रहा है। और ये मैं कहूँगा, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन एमरजेंसी के हालात से भी बदतर है।